हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सरोज दीपांशु। आ रहा हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया उसमें आपको मैं बताने वाला हूं आईटीटी और ओसी कोर्सेज के बारे में। ठीक है, ये कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूं। जो मतलब ये होते हैं, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट का किसी भी ग्रुप का पेपर दिया, चाहे ग्रुप वन का, ग्रुप टू का, बोथ ग्रुप। अब एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद अब तुरंत आईटीटी और या ओसी दोनों कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। जॉब ये कंपलसरी होती है अब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल से पहले ये मैंडेटरी होती है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये रिकमेंड होगा कि आप एग्ज़ाम दो अपने, उसके बाद ये कर लो। क्योंकि गैप रहता है एक डेढ़ महीने का रहता है, तो उसमें कर सकते हो आप, तो सही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कैसे कैसे करना है आपको रजिस्ट्रेशन इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना कुछ नहीं करना, फ़ोन का, लैपटॉप का, वैसे तो लैपटॉप से करो तो ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि इनकी वेबसाइट पता नहीं दिक्कत कर जाती है, क्योंकि वो तो रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है CA ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने रिसेंट में सर्च कर रखा है, तो उस पर टैप कर देना आप। तो ये तो खैर ये इस पर टैप नहीं करना है। ठीक है, थोड़े से नीचे एकदम स्लाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस पर टैप कर देना आपको। ठीक, उसके बाद जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, देन आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, पहले करना रजिस्टर करना है। ये अब ये मत सोचना कि CA का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, CA का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है, रजिस्टर स्टूडेंट करना है आपको। ठीक है, ये इस कोर्स के लिए करना पड़ेगा, बस आपको इसे क्लोज कर दो। ठीक, आपको देखो यहाँ पे ये इनके बारे में थोड़ी डिटेल है, अगर आपको जानना हो तो आप पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से। तो हाँ ठीक है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर लॉगिन राइट कॉर्नर में। ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा देखो आपको। ठीक, पढ़ना हो पढ़ सकते हो, ये आपको करने पड़ते हैं। जो एडवांस वाले हैं ये करने पड़ते हैं आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बाद CA फाइनल से पहले। ठीक है, ये आपको करना है IT और OC फिलहाल। ठीक है, और कुछ नहीं करना है फिलहाल इंटरमीडिएट के लेवल पे, मतलब आर्टिकल सबसे पहले। ठीक, आपको जब ये आपको चेक करने के लिए कि आपको बैच देखना हो, अपना रीजन डालो, कहाँ पे देखना है वो डालो। ये बिना रजिस्ट्रेशन की भी आप चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ बैच अवेलेबल हैं। ठीक, मैं ये चीज़ अभी मैं आपको बाद में करके दिखाऊँगा। ठीक, फिलहाल मैं आपको पहले लॉगिन करके दिखा देता हूँ अभी कैसे ID बनाते हैं। ठीक, क्लिक है टू लॉग इन टू रजिस्टर। ठीक, अब यहाँ पर रजिस्टर स्टूडेंट, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री जो भी जिस भी रूट से आए उसी के हिसाब से डाल देना आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, और अपनी DOB डाल देना है आप। ये दोनों चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, जब प्रोसीड करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो प्रीफिल्ड आएंगे। आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हो, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, लैंडलाइन की ज़रूरत नहीं है आप पे। ठीक है, तो उसे चेंज मत करना। ठीक, आप इसे ओके। हाँ, पासवर्ड बनाना आपको। पासवर्ड मैं रिकमेंड करूँगा कि अल्फाबेट, स्पेशल वर्ड्स और नंबर की तीनों चीज़ होनी चाहिए, और एक अपर केस भी होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं मान के बताऊँ आपको, जैसे कि नेम है तो नेम NAME देन स्क्वाड हैज 123 ऐसे करके इस टाइप से। ठीक है, आप बना सकते हो, आपकी वो बन जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सबसे पहले ये दिखेगा आपको, सबसे पहले अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, इस पर टैप कर देना आपको। ठीक है, अच्छा टैप, देखो ये दिक्कत हो रही है इनकी वेबसाइट में, पता नहीं क्या बार बार। लॉग इन कर लेना आप। ठीक, अब यहाँ पे सर्च करना रीज़न कि आपके वो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे मतलब नहीं है इसका, जहाँ पर आपको बैच लेना उससे मतलब है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से देख लेना। दिल्ली, नोएडा, जिस नोएडा आता है CRO में और दिल्ली आता है, आपका इस रजिस्ट्रेशन नंबर से मतलब नहीं है। ठीक, मैं देखिए यहाँ पर देख सकते बैचेज आ चुके हैं। ठीक, उसी के हिसाब से देख लेना आप, जिसमें रजिस्टर करना है उस पर क्लिक कर देना।
टिक ओरिएंटेड, देखो मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे, तो इस तरीके से डिटेल आ गई। अब फीस पेमेंट करना पड़ेगा आपको जितना भी होगा आपका, ठीक। आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था अपना CICI में, ये मिलेगा आपको ICI के SSP पोर्टल से कि आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो डालनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, IPCC की, ठीक है। तो गलत मत करना ये चीज़, ठीक है, ध्यान से। बाकी सब चीज़ प्रीफिल्ड आएंगी इसमें, उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने ग्रुप वन कब अपीयर किया था, तो वो डालना आपको, ठीक है। आर्टिकल सिर्फ का रजिस्ट्रेशन डेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो वो मत डालना। ग्रुप वन ग्रुप टू पूछेगा कब करे, उसके बाद ही प्रोसीड कराएगा आपको। और फीस है भाई, देखो आप देख लेना अपनी, ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे वो करके उसके बाद कंफर्म कर देना अपना जो भी है, मतलब बैच वगैरह, ठीक है। देखिए आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, फी पेमेंट करने के बाद कंफर्म करोगे, आपका बैच ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी, वो आएगी आपके ईमेल पे, ठीक है। और दो तीन दिन पहले आपके जो जिस सेंटर पे भरा होगा आपने उससे भी मिला जाएगी, ठीक है आपकी। और भाई ओरिएंटेशन में थोड़ा, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, मैंने व्लॉग भी डाल रखे किस तरीके से कपड़े वगैरह पहनने, ठीक है, तो आप देख सकते हो। या इस तरीके से मेरी एक्नॉलेजमेंट आ गई, इसे आप प्रिंट कर लेना, ठीक है, प्रिंट मतलब सेव एज PDF कर लेना अपने पास, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। और तो इसी के साथ चलो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।